आज हम लोग बनाएंगे भी आलू मटर की सब्जी। भी यानी कमल ककड़ी, जिसे लोटस स्टेम कहते हैं। ये सब्जी बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही टेस्टी बनती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। ये चैनल जहाँ पे हेल्थ, लाइफ और उसके साथ किचन से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज और टिप्स। तो चैनल से बने रहिए, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, कमल ककड़ी ले लेंगे, उसे अच्छे से धो के साफ कर लेंगे और इसे छीलना है हमें। छीलने के बाद इसे हम लोग स्लांटिंग में कट करेंगे पीसेस को। देखिए इस तरह से, साइज छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह से सब कमल ककड़ी को कट कर लेंगे यानी भी को। इसके बाद इसे हमें बॉईल करना है, दो सीटी लगवा के इसे बॉईल कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे भी को बॉईल कर लिया है। आइए अभी सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे तेल, 4 चम्मच के करीब तेल डालना है। तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें डालेंगे जीरा, तेज पत्ता, अभी इसमें डालेंगे हम लोग ओनियन। यहाँ पे 3 से 4 ओनियन मैंने लिए हैं, उसे बारीक बारीक काट के डालेंगे। इसे गुलाबी होने तक भूनना है। साथ में इसमें डालेंगे हम लोग लहसुन। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कुटी हुई लहसुन ली है, 1/2 चम्मच कुटी हुई अदरक और 2 हरी मिर्च। इसे मिक्स करके भून लेंगे। देखिए इस तरह से कलर हो जाएगा, तभी इसमें डालेंगे टमाटर। 3 टमाटर लिए हैं, रफली चॉप कर लिया है मैंने यहाँ पे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे धीमी आंच पे ढक के रखेंगे। बीच बीच में इसे घुमाना है। देखिए टमाटर पकना स्टार्ट हो गया है, तो इसे घुमाएंगे और मसलेंगे जैसे टमाटर मैश हो जाए। इसमें डालेंगे सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के टाइम पे कंटिन्यूअस टमाटर को मैश करते हुए जाना है। ओनियन भी मैश होगा और टमाटर भी मैश होता जाएगा। फिर से इसे ढक के पकाएंगे। इसमें से थोड़ा थोड़ा तेल निकलना चालू हो गया है। भी इसमें डालेंगे भी जो हमने बॉईल करके रखे थे। साथ में इसमें डालेंगे आलू, छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं मैंने, और साथ में मटर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे आलू 2 लिए थे और 1 बाउल मटर लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे पानी। पानी डाल के इसे धीमी आंच पे हम लोग पकने के लिए रखेंगे, जैसे आलू और मटर इसमें अच्छे से पक जाए। अराउंड 15 मिनट के करीब इसे लगेगा। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप ये कुकर में भी कर सकते हैं। 1 से 2 सीटी लगवा लें तो आलू अच्छे से गल जाएंगे उसमें। इसके बाद इसमें डालेंगे गरम मसाला, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में इसमें डालेंगे धनिया। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
देखिए ये सब्जी रेडी हो चुकी है। मैंने जैसे आपको बताया कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी रखी है चपाती के हिसाब से। और ये हमारी डिलीशियस सी बी आलू मटर की सब्जी तैयार है, जो बहुत ही टेस्टी है और बिल्कुल आसान है इसे बनाना। तो एक बार ये ज़रूर बनाएं, बी आलू मटर की सब्जी यानी कमल ककड़ी की सब्जी। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जरूर शेयर करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जरूर फॉलो करें मुझे और मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।